हो रही होंगी, अलग अलग दिन के समय सारणी आप लोगों को उपलब्ध हो गई होगी। उसको लेके आप सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां तय करी गई है। अभी डीआईएस हर दिन 5 केंद्रों की रिकॉर्डिंग मैं स्वयं देखूंगा, पेपर के सील खुलने की रिकॉर्डिंग और वापस सीलिंग होने की जो सर मैं क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से की गई है। आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर आज जनपद के सभी 73 केंद्रों से संबंधित जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हैं, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सभी SDM साहबान हैं, पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, उनके साथ एक बृहद बैठक करी गई। उनको जितने भी शासन के नियम हैं उनसे अवगत कराया गया किस प्रकार से है। हर परीक्षार्थी पे मूवमेंट पे भी ध्यान रखना है, उसको असुविधा भी ना हो और नकल विहीन परीक्षा हो, इस बारे में पूरी रणनीति बनाई गई और सभी की उनकी जिम्मेदारियां जो बनती हैं वो बताया गया। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को किस तरह से भ्रमणशील रहना है और कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी या परीक्षाओं की कैसे ली जानी है इस बारे में भी बताया गया। और पूरे सभी अधिकारीगण इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम लोग नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराएंगे। सर अगर नकल अगर पाई जाती है उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये सभी को स्पष्ट रूप से बताया गया कि शासन के भी निर्देश हैं कि अगर इस तरह की कहीं से पुष्टि होती है कि किसी कक्ष में नकल हुई है या उस बात की पुष्टि होती है तो वहाँ के कक्ष निरीक्षक से लेके केंद्र व्यवस्थापक और वहाँ पे नियुक्त मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारियाँ तय होंगी, उनके ऊपर FIR भी उसमें सुसंगत धाराओं में कराई जाएगी।